हेलो दोस्तों, आ गए हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल के अंदर कर्सर को कैसे यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसका फ़ायदा क्या होगा? अब इसका फ़ायदा दोस्तों ये है, अगर आपका कोई न्यू यूट्यूब चैनल है और अगर आप इसको अपने कर्सर को अगर आप अपने मोबाइल में यूज करते हो तो आपके व्यूवर्स हैं जो आसानी से समझ जाएंगे कि कहाँ पर क्या करना है। इस कर्सर की मदद से वो समझ जाएंगे कि हमें कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना और नीचे हमें कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और दोस्तों, ऐसी ही टैक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए नीचे आ रहे रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा और पास में आ रहे बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक एप्लीकेशन को हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सर्च बार में माउस पॉइंटर लिख देना है। माउस पॉइंटर लिखने के बाद में आपको सर्च क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको दोस्तों फर्स्ट नंबर पर एक एप्लीकेशन मिल जाएगी दोस्तों, ऑलवेज विजिबल माउस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद में दोस्तों, ये 3-4 MB का एप्लीकेशन है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में, मोबाइल में। और इसको दोस्तों यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में दोस्तों, कुछ ऐसा इंटरफेस इस एप्लीकेशन का खुल कर आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, ऊपर ही ऊपर दोस्तों टॉप में एक बटन मिल रहा है दोस्तों, आपको इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपका एरो आ जाएगा दोस्तों, जो कर्सर है वो आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये कर्सर आ गया है, इसको ऑन करते ही हमारा कर्सर आ गया है। अब आपको इसको कहीं पे भी ले जा सकते हो दोस्तों, कहीं पे भी टारगेट कर सकते हो। अब दोस्तों, मैं इसको इससे बाहर निकलता हूँ। अब बाहर निकलने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप कहीं पर भी इस एरो को ले जा सकते हो और कहीं पर भी टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे फेसबुक पर जाना है, यूट्यूब पर जाना है, म्यूजिक पे जाना है, तो मैं इस एरो को यहाँ पर लेके जा सकता हूँ दोस्तों। मैं इस एरो को लेकर जाता हूँ म्यूजिक पर। तो यहाँ पर दोस्तों, ये देख लीजिए, मैंने म्यूजिक पर इसको लेकर आ गया हूँ। और यहाँ पर दोस्तों, मैंने फेसबुक पर भी मैं इस एरो को लेकर आ गया हूँ। और दोस्तों, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है एरो का, तो आप वापस से एप्लीकेशन में जाइए और यहाँ से दोस्तों आप बैकग्राउंड कलर ले सकते हो। बैकग्राउंड कलर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई सा भी कलर ले सकते हो। तो यहाँ से दोस्तों आप कोई सा भी कलर ले सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हो कोई सा भी कलर। और यहाँ से भी दोस्तों आप कोई सा भी कलर ले सकते हो। इनमें से दोस्तों आप अच्छे से देख लीजिएगा और यहाँ से आप यूज करके देख लीजिएगा। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना और नीचे हमें कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और दोस्तों, ऐसी ही टैक्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए नीचे आ रहे रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा और पास में आ रहे बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टिप्स नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।